हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केसन टॉक्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बजाज की अपकमिंग बाइक के बारे में, जो कि है बजाज पल्सर NS250। दोस्तों इस बाइक को फिलहाल में ही दोबारा से स्पॉट कर लिया गया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और आने वाले कुछ ही महीनों में ये बाइक आपको लॉन्च होते देखने को मिलेगी। इसीलिए आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजाज पल्सर NS250 कब तक लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के फीचर्स के बारे में, क्योंकि ये बाइक दोस्तों बजाज की तरफ से बिल्कुल न्यू बाइक होगी जो आपको पल्सर सीरीज में देखने को मिलेगी। तो बजाज की इस न्यू बाइक के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना, और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के लुक्स और डिजाइन के बारे में। दोस्तों बजाज पल्सर NS250 को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और ये एक न्यू बाइक होगी बजाज की तरफ से इंडियन टू व्हीलर मार्केट के लिए। और आने वाले कुछ ही महीनों में दोस्तों बजाज अपनी NS सीरीज की बाकी बाइकों को भी चेंज कर देगी इस डिजाइन के साथ। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट पार्ट में आपको LED प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बाइक में फुल्ली LED लाइटनिंग का सेटअप मिल जाएगा बजाज की तरफ से बाइक के हर पार्ट में। और बात रही बाइक के इंजन की, तो इस बाइक में डोमिनर 250 का इंजन यूज किया जाएगा, जो 249cc का ऑयल कूल सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27 BHP की 8500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 23.5 Nm का 7000 RPM पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 150 से 160 किलोमीटर पर आता की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको बाइक में 6 फीट गियरबॉक्स मिल जाएंगे, 12-channel ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका फुली डिजिटल होगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ABS लाइट टाइम और फ्यूल को जैसे सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो आपको बाकी पल्सर NS सीरीज में देखने को मिलता है। और बाइक के टायर साइज की बात करें, तो इस बाइक का फ्रंट पार्ट का टायर होगा 100x80mm का, और रियर पार्ट का टायर होगा 130x70mm का। टायर इसके दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेंगे जो डोमिनर 250 में यूज किए जाते हैं। और बात रही बाइक के डायमेंशन की, तो इस बाइक का कर्वेट होगा 150 से 160 kg के अराउंड, 165mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, और इस बाइक की सीट 790mm से 810mm के बीच रखी जाएगी, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक में 12 से 13 लीटर की होगी, और ये बाइक आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, और हाईवे राइडिंग पर आपको ये बाइक 35 प्लस का माइलेज भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम बात कर लेते हैं बजाज पल्सर NS250 के लॉन्च के बारे में, कि आखिर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगी, और लॉन्च होने पर इस बाइक का एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस क्या रखा जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस बाइक को 2 से 3 बार स्पॉट कर लिया गया है इंडियन मार्केट में, और आने वाले कुछ ही महीनों में ये बाइक आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक आपको फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में, यानी कि इस बाइक को अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च करा जा सकता है। और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस 140,000 से 150,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जा सकता है, जो कि आपको दोस्तों ऑन रोड ये बाइक 170,000 से 180,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो ऑन न्यू बजाज पल्सर NS250 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बजाज पल्सर NS250 बाकी 250cc कैटेगरी की बाइकों के सामने स्टैंड कर पाएगी या नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।